एक गिद्ध ने बताया इन चार चीजों को, जो छोटा समझता है वह चोट जरूर खाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस प्रसंग को यह देख रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक, यानी वीडियो को पूरा अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी मिले वो आपको पूर्ण मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है, जीवन में हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि जो भी वीडियो यहां से हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य ही दबा देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार प्राचीन समय की बात है कि गिद्ध ने बताया इन चार लोगों को हमें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो इन्हें छोटा समझता है, जो तुच्छ समझता है सामने वाले के लिए, वह अक्सर करके जिंदगी में चोट जरूर खाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार प्राचीन समय की बात है, एक वृक्ष पर एक गिद्ध रहा करता था, और उस गिद्ध के छोटे छोटे घोंसले में बच्चे बैठे हुए थे। रोजाना गिद्ध का काम था कि वो मरा हुआ मांस कहीं से लेके आता था, स्वयं खाता था और अपने बच्चों को भी खिलाता था। दोस्तों, होता क्या है, धीरे धीरे समय बीता, गिद्ध मांस की तलाश में बहुत घूमा, लेकिन उसे लगभग दो दिन हो गए, मरा हुआ मांस जब कहीं दिखाई नहीं दिया तो भूख से स्वयं भी व्याकुल होने लगा, परेशान होने लगा, और उसके जो दो बच्चे थे वो भी बड़े परेशान होने लगे। गिद्ध से कहते हैं, अब तो हमें भूख लगी है, कहीं से हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। गिद्ध ने समझाया, आप चिंता न करो, मैं जाऊंगा, यदि मुझे मरा हुआ मांस मिल गया तो मैं मरा हुआ लेकर के आऊंगा, यदि मुझे नहीं मिला तो मैं आज भले ही किसी छोटे को, यदि जीवित मिल गया तो मैं उस छोटे को ही लेकर के चला आऊंगा, भले ही वो जीवित होगा। दोस्तों, आज वो गिद्ध चलता हुआ मरे हुए मांस की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते शाम का वक्त होने जा रहा था, लेकिन उस गिद्ध को कहीं भी मरा हुआ मांस जब नहीं दिखाई दिया तो अब तो वो बड़ा व्याकुल होने लगा। सोचने लगा, यदि मैं रीते हाथों गया तो फिर मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे कि हमें भूख लगी है, तो फिर मैं बताओ उनका तरस देख नहीं पाऊंगा, मुझे उन पर बड़ी दया आएगी, वो बेचारे अभी किसी लायक है नहीं अपने भोजन की तलाश वे स्वयं कर सके, इसलिए जब तक वे उड़ना नहीं सीखेंगे मुझे ही भोजन की तलाश करनी पड़ेगी, तो मुझे मांस भी कहीं मिल नहीं रहा, अब करें तो करें क्या। दोस्तों, अब जैसे ही गिद्ध घूमता हुआ इस सोचा बेचारी में, एकदम से उस गिद्ध की नजर पड़ती है कि एक लोमड़ी का छोटा सा बच्चा है और वो वहां खेल रहा है, लेकिन लोमड़ी अपने किसी कार में लगी हुई थी। दोस्तों, उस गिद्ध ने सोचा, मैंने अपने बच्चों से वादा किया था, यदि मरा हुआ मांस मिल गया तो लेकर आऊंगा, यदि नहीं मिला तो मैं कोई छोटा सा जीवित बच्चा ही कहीं से लेकर के आऊंगा, उसका मांस मैं तुम्हें आज जरूर खिलाऊंगा। दोस्तों, वो गिद्ध सोच रहा है, गिद्ध की नजर उस लोमड़ी के बच्चे के ऊपर पड़ी, सोचने लगा, यदि मैं आज से इस नाजुक बच्चे को ले जाऊंगा और इसके कोमल कोमल नरम नरम मांस को जब मैं और मेरे बच्चे नोच नोच करके खाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। दोस्तों, सोच करके एकदम से वो गिद्ध आगे को बढ़ा और झपट्टा मार करके उस लोमड़ी के बच्चे को वहां से अपने पंजों में दबा करके ले भागा। दोस्तों, जैसे ही वो वहां से गिद्ध लोमड़ी के बच्चे को लेकर के भागा, आज वो बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा,
और चीख पुकार को अपने बच्चे की आवाज को सुन करके वो बेचारी लोमड़ी आज रुक नहीं सकी। वो भी उस गिद्ध के पीछे पीछे भागने लगी। कहने लगे, अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो, ये मासूम बच्चा है और इसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी, इस बच्चे को मुझे वापस दे दो। लेकिन वो गिद्ध कहां सुनने वाला था। दोस्तों, गिद्ध उड़ते उड़ते उस बच्चे को साथ में लेकर के लोमड़ी के बच्चे को पंजों से दबा करके वहीं पहुंच गया जिस वृक्ष पर वो गिद्ध बैठा रहता था। जिस वृक्ष के ऊपर एक घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वहीं जाकर के उस लोमड़ी के बच्चे को रख लिया। लोमड़ी भी दोस्तों उसी वृक्ष के पास में पहुंच गई। बड़ी घबराई हुई थी, डरावनी थी। लेकिन आज दोस्तों कोई भी मां नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे की मौत मेरे सामने हो जाए और वो भी बुरी दुर्दशा के साथ। आज वही हो रहा है उस लोमड़ी के बच्चे के साथ। आज जो गिद्ध था वो उस बच्चे को जैसे ही नोचता है, वो बच्चा बेचारा बुरी तरह से चीखता है, कराहता है, चिल्लाता है। आज वो लोमड़ी कुछ कर भी नहीं सकती है, बस एक ही बात कहती है, अरे गिद्ध भैया, अरे गिद्ध भैया तुम इस मेरे बच्चे को मारो मत, मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, ये तो मेरा जीवित बच्चा है, तुम तो मरे हुए मांस को खाते हो। गिद्ध कहने लगा, क्या पागल हो रही है, अरे तू चली जा, अपने हाथों में मैं परसी हुई थाली को लिए खड़ा हूं, लेकिन बस मुझे भोजन करने की देरी है। कई दिन हो गए हैं जब मुझे मरा हुआ मांस नहीं कहीं मिला, तो आज मैं जीवित ही खाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। अरे ये तू गुहार मुझसे लगा रही है, इस तरह से रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, क्या इस तरह से मेरा हृदय पिघल जाएगा, मुझे क्या तुझ पर दया आ जाएगी। तू हमें नहीं जानती है, हम गिद्धराज हैं, हम तो वैसे भी मरा हुआ मांस खाते हैं, आज जीवित मांस खा लेंगे लेकिन हम दया नहीं करेंगे। अरे दया, हम कभी किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, हम तो आज इसे नोच नोच करके खाएंगे। दोस्तों आज वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो माँ रो रही थी, गिड़गड़ा रही थी। लोमड़ी कहती है, अरे भैया गिद्ध, मैं तुम्हारा एहसान सारे जीवन निभाऊंगी, इस एहसान को भूलूंगी नहीं, ये उपकार कर दो मेरे ऊपर, मेरे इस बच्चे को आज तुम जीवित छोड़ दो, मेरा इकलौता बच्चा है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए आप मुझे वापस दे दो। दोस्तों इस तरह से बार बार कही, थोड़ी दया तो करो, लेकिन उस गिद्ध को दया नहीं आई। गिद्ध बोला, लोमड़ी क्यों यहां व्यर्थ में खड़ी खड़ी रो रही है, अरे दया जैसे शब्द से क्या मेरा दिल थोड़ी मान जाएगा, मैं मानने वाला नहीं हूं, आए तो हम अपनी शिकार को अपने हाथों से तुझे कैसे दे सकते हैं। आ हंसने लगा, अट्ठास लगाकर हंसता है, कहता है, लोमड़ी हे, तेरे इस बच्चे का नरम नरम मांस अब हम नोच नोच करके खाएंगे, यह तुझे देखना है तो ले देख। आज दोस्तों इस तरह से वो गिद्ध ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और बच्चे के मांस को नोचने लगा। उस गिद्ध के जो बच्चे थे वो भी उस मांस को नोचते हैं। आज बेचारी लोमड़ी का बच्चा जो था बड़ा मासूम था, उस पीड़ा से कराह रहा था, चीख रहा था, वो चीख सुनकर के माँ से नहीं रुका गया। लोमड़ी बार बार विनती करती रही, लेकिन उस गिद्ध को, उस हत्यारे को बिल्कुल तरस नहीं आया। दोस्तों जब उसे कोई तरस नहीं आया तो लोमड़ी सोचने लगी, ये तो हत्यारा है, इसके सामने हम रोएंगी चिल्लाएंगी कुछ हल निकलने वाला नहीं है, अब तो मेरा बच्चा मर ही रहा है, लेकिन अब मैं तो कर भी कुछ नहीं सकती हूँ। लेकिन लोमड़ी ने कहा, ओरे हैवान, ओरे दुष्ट, ओरे गिद्ध, मैं तुझसे पहले भैया भैया कह रही थी, लेकिन अब कान खोल करके सुन ले, अपने पुत्र की ब्रह वेदना में इतनी बुरी तरह से मैं तड़प रही हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी व्याकुल हूँ,
पछाड़े खा रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू रोके से नहीं रुक पा रहे, लेकिन याद रखना इसका इल्जाम तुझे भी भोगना पड़ेगा। मैं इसका तुझे ऐसा दंड दूंगी जो सारी जिंदगी भर तू अपने आंखों के आंसुओं को पहुंच नहीं पाएगा। दोस्तों, वो गिद्धराज हंसकर कहता है, वाह अरे जा, तू मुझे क्या दंड देगी, क्या दंड दे सकती है तू? जो मेरा बिगाड़ना चाहे वैसे तू मुझे बिगाड़ देना, जो भी मेरा बिगाड़ना चाहे बिगाड़ देना, जो भी दंड देना चाहे तू मुझे दंड दे देना। जा, चली जा यहां से, भाग जा, खड़ी खड़ी व्यर्थ में गाल क्यों बजा रही है। एकदम से दोस्तों, लोमड़ी बेचारी बड़ी दुखी तो थी ही, लेकिन होनहार की बात होता क्या है, उस लोमड़ी को एक जगह पर कुछ आग जलती हुई दिखाई दी, आग की चिंगारियां दिखाई दी। दोस्तों, आज वो लोमड़ी क्रोध में आग बबूला हो गई और कठोर दिल से दौड़ी दौड़ी उस आगी को लेने के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों, वहीं से कुछ ऐसा कूड़ा करकट लकड़ी बीन बीन करके इकट्ठी करती रही। दो चार दिन, दस पांच दिन लगा लिए, लेकिन गिद्ध सोच रहा है, इन लकड़ियों को बीन करके क्या ये मैं इतने ऊंचे टुंसी पर बैठा हूँ, इस वृक्ष की फुलकों पर बैठा हूँ, क्या ये यहाँ तक आ सकती है? ये नहीं आ पाएगी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो तो ये सोच रहा था। लेकिन जो लोमड़ी थी वो कुछ और करने वाली थी। दोस्तों, उसने अनेकों लकड़ियों को लाकर के उसी वृक्ष के पास में रख दिया जहां पर वो गिद्ध और उसके बच्चे बैठे हुए थे, ऊपर डाली के ऊपर बैठे हैं। अब तो सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने लगी, पत्तों को भी लाकर के वहां रख दिया। बहुत सारा ढेर जब लकड़ियों का लग गया, उन पत्तों का लग गया, अब तो उस लोमड़ी ने एक आग की चिंगारी को लिया और जैसे ही उस लकड़ी में आग को प्रवेश किया, धीरे धीरे आग जलते जलते तेज रफ्तार में आग जलने लगी और आग इतनी जली कि उस वृक्ष की जो पत्तियां थीं वो सभी जल करके जमीन पर राख बनकर के गिरने लगी। अब तो आग का धुआं आसमान को छूने लगा। गिद्धराज बड़ा परेशान होने लगा, उसकी आंखों में वो धुआं चुभने लगा। अब तो गिद्ध सोच रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन लोमड़ी बैठी बैठी देखती रही। लेकिन धुआं जब चलने लगा, उसी तरह से अग्नि भी जलने लगी। उस वृक्ष की डालियों में वो आगी पौंड गई और जब आगी पौंडी, उस आग की लपटों से वो गिद्ध परेशान हो गया और अपने बच्चों को उसी घोंसले में छोड़ करके, क्योंकि वो तो उड़ना नहीं जानते थे, और वो स्वयं उड़ करके नजदीक दूसरे वृक्ष पर जाकर बैठ गया। दोस्तों, गिद्ध जैसे ही दूसरे डाली पे जाकर के बैठा, आज वो आग धो धो करके जलती रही और उस वृक्ष पे जो अंडे रखे थे वो भी एक एक करके उस आगी में गिरते गए। लोमड़ी एक एक अंडा को उठा करके, उस एक एक बच्चे को उठा करके उस गिद्ध के बारी बारी से उस गिद्ध के सामने खाने लगी। दोस्तों, जैसे ही लोमड़ी ने उन बच्चाओं को बारी बारी से खाया, अब तो गिद्ध को बड़ा पश्चाताप होने लगा, मैंने ये बहुत बुरा किया, जो लोमड़ी के बच्चे को मार दिया, आज उसका इल्जाम मुझे स्वयं भोगना पड़ रहा है। लोमड़ी से वो गिद्ध कहता है, अरे थोड़ा तो तरस खाओ, अब तुम काहे को मेरे बच्चाओं को इस तरह से खाए जा रही हो। लोमड़ी कहती है, ओरे दुष्ट, अब मुझसे मना मत कर, मेरा तो एक बच्चा था जो इकलौता था, उसे तूने खा लिया था, अब जितने भी तेरे बच्चे होंगे उन सब को खा करके मैं बदला लूंगी। दोस्तों, इस तरह से उस लोमड़ी ने आज उसके बच्चाओं को खा लिया, क्योंकि कहते हैं कि नीच के साथ नीचता से ही पेश आती है। यदि नीच के साथ तुम अच्छाई दिखाओगे तो वो कभी तुम्हें घास डालने वाला नहीं होगा। कहते हैं कि मूर्ख के सामने हमें कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, मूर्ख के सामने कभी उपदेश काम नहीं करते हैं। दुष्ट के साथ दुष्टता से ही वार्ता करना चाहिए। जिस तरह से कहते हैं कि नीम की जड़ में यदि मीठा दूध डाला जाए कभी उसमें मिठास नहीं आ सकती है,
वो मीठा दूध नीम में मिठास नहीं ला सकता है। उस तरह से दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करोगे तो दुष्ट के साथ अच्छाई करने से उसके अंदर कभी अच्छे गुण प्रकट नहीं हो सकते हैं। आज उसे एहसास होने लगा गिद्ध को कि मैंने दूसरे के साथ में बुरा किया था, इसीलिए इसने मेरे साथ में बुरा कर दिया। लोमड़ी ने कहा, दुष्ट, तेरी करनी का ऐसा मैंने मजा चखा दिया है, अब तू इसे सारी जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। आज वो गिद्ध भी आंखों से आंसुओं को बहाने लगा, सोचने लगा, मैं तो इसे एक तुच्छ समझ रहा था, बहुत छोटा समझ रहा था, जो आज मैंने इसे तंग किया और इसके एक बच्चे को मैंने खाया, उसके बदले में इसने तो मेरे एक नहीं जितने बच्चे थे उन सबको ये खा गई और पेड़ को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, वो गिद्ध कह रहा है कि मेरी यह गलती है, मैंने तुमको तुच्छ समझा, छोटा या तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। अब वो गिद्ध की समझ में आ गई। उस गिद्ध ने समझाया बताया, पहले से ही ठीक था, जो मरे हुए जानवरों के लिए खा करके अपनी भूख को शांत किया करता था, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मारकर मैं अच्छा नहीं किया। विद्वान लोग कहते हैं कि इन चार चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग इन चार चीजों को छोटा समझते हैं वो जरूर चोट खाते हैं, वो जरूर विष के बीज बो देते हैं। नंबर एक आग, नंबर दो शत्रु, नंबर तीन कर्जा, नंबर चार रोग। कहते हैं इन चारों के शेष को भी कभी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। यदि है थोड़ा भी आप छोड़ दोगे, अनदेखी यदि कर दोगे, तो समय के साथ यह भयंकर रूप ले लेते हैं और लापरवाही बरतने वाले को नष्ट कर डालते हैं। दोस्तों, जिसका घर नदी के किनारे हो, जिसकी पत्नी दूसरे का संग करती हो, जिसके घर में सर्प का वास हो, जो दूसरे के अधीन रहता हो, पराए घर में निवास करता हो, संख्या में जिसके शत्रु अधिक हों, उसे कभी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वो सारे जीवन दुख और कलेश में, चिंताओं और भय में घिरा रहता है। तो दोस्तों, आज गिद्ध को अपनी करनी का दंड मिल गया। अब वो समझ गया कि वास्तव में बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ कभी अच्छा कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।